गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में अपन बोर मॉडल के कुछ फीडबैक्स पढ़ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट एसेसरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि बोर मॉडल को आगे मॉडिफाई करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है, जिसमें पहले उसने ड्यूअल बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। ड्यूअल बिहेवियर में जो थीम थी नील्स बोर की, वो क्या थी कि लाइट हैव द ड्यूअल नेचर इन विच वी कैन से दैट लाइट बिहेव्स वेव एज वेल एज पार्टिकल, कि लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह ट्रीट करती है, ड्यूअल बिहेवियर को दिया है। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ही एक्सप्लेन दैट व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ एटम्स देन वी ऑब्टेन डिफरेंट लाइन्स विच शो द ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स विच अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से अपन को जब एटम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी लाइन्स ऑब्टेन होती हैं, उनको अपन बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट उसने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कल हो चुका था, एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए हमने ये देखा कि जब वेन एनी चार्ज पार्टिकल इज कैप्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सीलरेटेड एंड इट मूव अबव एंड बिलो द प्लेन विद लॉन्गिट्यूडिनल द एक्सिस, या फिर अपन बोल सकते हैं विद परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, कि जब भी अपन किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करेंगे, जब उसको मोटिवेट करेंगे, तो वो एक लीनियर फॉर्म के अंदर मोशन नहीं करके उसका जो मोशन होता है एक बार अबाउ द प्लेन होता है, दूसरी बार बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, सच टाइप ऑफ मोशन दैट इज नोन एज द वेव नेचर। वो उसकी वेव नेचर को शो करता है, उसको इम्प्रूव करता है। उसके अंदर अपने सबसे पहला जो टर्म था वो देखा था वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, कंप्लीट लेंथ ऑफ ए वेव इज नोन एज वेवलेंथ, जिसमें आप देख सकते हो दो मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, दो थ्रॉस के बीच का डिस्टेंस, कि एक कंप्लीट जो वेव होती है उसकी लेंथ ही क्या होती है, वेवलेंथ होती है। आज का टॉपिक देखी, जब लेंथ है उसको लैम्डा से डिनोट किया एंड मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। आज की क्लास का नया टॉपिक है अपना फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाई न्यू, ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट से ही इसको डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कितना स्पीडली जा रही है, ठीक है। हमने जैसे मान लो कि हम रोड के एक साइड बैठे हुए और हमारे को ये दिया है कि 5 मिनट के अंदर आपको टर्नओवर बताना है कि इस रोड से कितनी सारी गाड़ियाँ पास आउट होती हैं, आने और जाने वाली। तो 5 मिनट के अंदर जितनी नंबर ऑफ गाड़ियाँ अगर उनके अंदर है ना, जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उससे पास आउट होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी उतनी अच्छी होगी। तो टाइम पीरियड के साथ में नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो क्या होती हैं, फ्रिक्वेंसी होती है। जब भी अपन किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो टाइम हमेशा 1 सेकंड लेते हैं रेफरेंस, ठीक है ना। तो हम ले रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स, सॉरी, द नंबर ऑफ वेव्स विच पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर एक पॉइंट से निकलने वाली जो वेव्स का नंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। आई रिपीट द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वेव्स विच पासेज थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड दैट इज नोन एज फ्रिक्वेंसी, कि 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट होती है उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द वेव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेव की जो स्पीड होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन साइकिल पर सेकंड और हर्ज। साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हो कि एक सेकंड के अंदर एक वेव कितने सर्कल कंप्लीट करती है, या फिर इसको मेजर किया जाता है किसमें, हर्ज में, या फिर आप बोल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो तो पर सेकेंड के हिसाब से जो सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स को अपन हर्ज भी बोलते हैं, ठीक है। हियर न्यू इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा, या फिर आप यू बोल सकते हो कि न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। कैसे, सड़क के किनारे बैठे हो, लेंथ ऑफ वेव है, जितनी लंबे लंबे व्हीकल्स होंगे पास आउट होने के अंदर उतने ही कम व्हीकल्स निकल पाएंगे, जितनी छोटी साइज के व्हीकल्स होंगे पास आउट होने वाले व्हीकल्स का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, कॉमन सी बात है। तो वेव जितनी लंबी होगी उसकी स्पीड उतनी ही कम आएगी,
उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी कम आएगी, क्यों, उतने टाइम पीरियड में निकल, जैसे मान लो कि आपके पास एक वेव, बहुत सारी लंबी लंबी वेव्स हैं, उनको पर सेकंड के हिसाब से निकालो फ्रिक्वेंसी कम आएगी, वो छोटी छोटी वेव्स से टाइम के हिसाब से पास आउट करो तो वेव्स का नंबर ज़्यादा आएगा, तो वेव जितनी लंबी होगी फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी। ये तो है इसका रीड करने का तरीका। और बुक की लैंग्वेज के हिसाब से हम लिखते हैं न्यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा। प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को जब इक्वल में लेके आते हो तो एक कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, देन हमने लिखा है न्यू इक्वल्स सी अपॉन लैम्डा। हियर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर में लेना चाहोगे तो बोल सकते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, सी होती है। फ्रीक्वेंसी का समझ आया कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम नंबर ऑफ वेव्स या स्पीड ऑफ द वेव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर पर सेकेंड के अंदर, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में वन सेकेंड के अंदर किसी स्लिट में से निकलने वाली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए स्लिट इन वन सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, कि एक स्लिट से एक सेकेंड के अंदर पास आउट होने वाली जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पर सेकेंड के हिसाब से कर रहे हैं तो इसको साइकिल पर सेकेंड ले लो, सेकेंड इनवर्स ले लो, या हर्ट्ज ले लो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, साइकिल पर सेकेंड, CPS, साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम बोलेंगे कि मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो बोलेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन वन सेकेंड बाय द वेव। एक सेकेंड में एक वेव, एक सेकेंड में एक वेव कितना स्पीड से जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। किसके लिए, लाइट के लिए। इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, सी से। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती है, और वो वेलोसिटी जो होती है वैक्यूम के अंदर मेजर करी गई है, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब वैक्यूम के अंदर फ्लो करी जाती है तो वो एक ही स्पीड से जाती है, और वो जो वैल्यू होती है उसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ EMR, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस बोल सकते हो, जिसको C से डिनोट करते हो, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो C की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट है। आज के बाद में आपको याद रहना चाहिए, जब भी बात ये आती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपका एक ही आंसर आना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है म्यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा। ठीक है, म्यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा, ये बात पहले भी देख चुके हैं मैंने, ये कहा फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी हमेशा किसमें मेजर करी जाती है, मीडिया के अंदर मेजर करी जाती है, किसी भी फैक्टर्स के अंदर मेजर कर सकते हो। वेलोसिटी हमेशा लाइट के लिए वैक्यूम के अंदर मेजर करी थी, फ्रीक्वेंसी और ये बोलो तो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, ये हर टाइप की वैक्यूम के लिए, ये सिर्फ EMR रेडिएशंस के लिए होती है। हमने देखा है कि न्यू प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। पीछे भी यही देखा है, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी बोथ आर द सिमिलर टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स। तो हमने ये कहा है कि लेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेलोसिटी अगर आप बोलना चाहोगे तो डिक्रीज होगी, वही रिलेशन यहाँ है, ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, ये टर्म थी किसके लिए, वेव के लिए थी। पहली टर्म हमने देखी है वेवलेंथ, दूसरी हमने देखी है फ्रीक्वेंसी, तीसरी देखी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस सिक्वेंस में नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर, वेव नंबर जैसा टर्म है उसी के अकॉर्डिंग न्यू बार से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, न्यू बार, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, है ना, क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स का नंबर ही क्या होता है, वेव नंबर होता है, पर लिखे कैसे इसको। तो इसके लिए देखो वेव लेंथ, लेंथ ऑफ ए वेव, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ ए वेव, वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट, अब बोल रहे हैं वेव नंबर,
तो वेव नंबर न्यू बार नंबर ऑफ वेव्स किस में, वेव कहाँ रहेंगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रहेंगी, तो डिस्टेंस के साथ में जब वेव देख रहे हैं तो डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर ले लो, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब है कि जो भी कुछ ले रहे हो ना, मीटर सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम जो भी, उसको 1 ले लो आप, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ आर नोन एज वेव नंबर। एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती है वेव लेंथ होती है। जैसे मान लो कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स आ सकते हैं। अगर आपने पहले छोटे छोटे व्हीकल्स करे तो व्हीकल्स का नंबर ज़्यादा होगा, कब, जब व्हीकल्स का साइज कम है। जब आपने बहुत बड़ी बड़ी बस खड़ी कर दी तो व्हीकल्स का नंबर क्या आएगा, कम। तो मैं बोल सकती हूँ कि जितनी लंबी लंबी वेव्स होंगी तो वेव नंबर उतना ही कम होगा, ठीक है। वेव्स जितनी छोटी होंगी वेव नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। म्यू बार में और म्यू में एक रिलेशन अलग अलग होता है, फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है, जिस रेंज के साथ में वेवलेंथ गिरती है उस रेंज के साथ में स्पीड बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन डायरेक्टली है, न्यू बार इक्वल होता है 1/λ, पीछे रिलेशन था न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, वेव नंबर के साथ में इक्वलिटी रिलेशन है, म्यू बार इक्वल्स 1/λ। लेमडा क्या होती है, वेव लेंथ। लेंथ को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, मीटर सेंटीमीटर, इसमें 1/ आएंगी तो यूनिट जब भी रीड करी जाएंगी सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, इसमें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, जो भी आप पढ़ रहे हो वही। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी किसकी, वेव नेचर की, ठीक है। हमने बोहर मॉडल के डेवलपमेंट के लिए ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वेव नेचर की जो थीम्स हैं वो देख लिए, ठीक है, एक वेव में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, सीधा बोल दो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिनमें पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर एक थीम आई थी कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कि लाइट जो होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स होती है, इट प्रोड्यूस एनर्जी रेगुलरली या कंटिन्यूसली। ये थीम थी पहले कि लाइट जो होती है वो एक कंटिन्यूसली एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, रेगुलरली एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, वो उसकी वेव नेचर को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। उसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज थी, जैसे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, वेवलेंथ है, रिफ्रैक्शन है ना, ये सारे के सारे। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, इट्स शो द वेव नेचर ऑफ लाइट। आई रिपीट द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस द एनर्जी रेगुलरली। अदर वर्ड्स वी कैन से द जनरेशन ऑफ लाइट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस इन लाइट दैट शो द वेव नेचर ऑफ लाइट इन सम फिनोमिना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, ऑल फिनोमिना शो द वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैंक एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, देखना इस बात को, मैक्स प्लैंक, लाइट इमिट एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स दैट आर कॉल्ड QUANT/Photon, E=h यूनिट। आगे आएगी कंसेप्ट फिर पूरी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक ने इसकी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था
कि लाइट इमिट द एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स, कि लाइट जो होती है वो रेगुलर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करती, वो किस में करती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करती है, स्मॉलर पैकेट्स के फॉर्म में करती है, दैट आर नोन एज क्वांटा और फोटोन. उनको हम क्या बोलते हैं, या तो क्वांटा बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फोटोन. द एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटोन इक्वल्स ई इक्वल्स एच न्यू. E equals h nu, here h is the constant which is denoted by Max Planck, a constant that is known as Planck constant, her value 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. यहाँ पे इसको skip इसलिए किया है कि आगे जब आपके आएगा वर्ल्ड इसको देखेंगे हम, ठीक है ना. जूल सेकेंड में है तो क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में क्या है, तो कन्वर्जन उसका बाद में देखेंगे. प्लैंक कांस्टेंट आप लोगों के आगे आएगा, और अगर आप लिखना चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट. ओके, अब कुछ कंसेप्ट ऐसी हैं जिनके अंदर ये क्वांटा या फोटोन के रूप में एनर्जी का एक्सचेंज करेगा. तो पहला फिनोमिना जो है वो है ब्लैक बॉडी, है ना. ब्लैक बॉडी जो है वो शो करेगा द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी शो करेगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. अब इससे पहले अपन ने देखी ना वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, है ना, ये सारी की सारी. अब आप लोगों के सिलेबस में वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले एक्सपेरिमेंट नहीं है, लाइक रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, है ना, ये सारे के सारे, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये आप लोगों के हैं नहीं, है ना. तो ये सारे शो करते हैं वेव नेचर को. तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी सीरीज के अंदर पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. ब्लैक बॉडी इसका मतलब कालिया नहीं होता है, ठीक है. ब्लैक बॉडी कृष्णिका बोलते हैं वैसे इसको. ब्लैक बॉडी क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्यों पढ़ रहे, कुछ तो होना चाहिए ना. तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, एक सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिकल सब्सटेंस माना है, ठीक है ना. आइडेंटिकल सब्सटेंस माना है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर और इमिशन पावर बिल्कुल इक्वल हो. क्या मतलब है इसका, ऐसा कोई सब्सटेंस जब उसको लाइट सोर्स चालू हो उसके पास में रखें तो बिल्कुल ब्राइट दिखे, ब्राइट बोले तो वाइट दिखे, चमकीला. जब सोर्स बंद कर दें तो सोर्स बंद करते ही वो ब्लैक दिखने लग जाए. इसका क्या मतलब है, लाइट को चालू रखें तो वो सारी लाइट को एब्जॉर्व करे, किसी भी लाइट के 1% हिस्से को भी वो क्या नहीं करे, इमिट नहीं करे. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लाइट के पूरे अमाउंट को एब्जॉर्व कर लेता है वो हमेशा व्हाइट कलर का दिखेगा. जैसे ही लाइट सोर्स बंद करे ब्लैक दिखने का मतलब है सारा का सारा क्या कर दे, इमिट कर दे, 1% हिस्सा भी वो अपने अंदर गेन नहीं करे. और भी सिंपल वर्ड में, जब लाइट के कॉन्टैक्ट में रखे तो झट से गर्म हो जाए, लाइट बंद करें तो बंद करते ही वो एकदम कूल हो जाए. ऐसा कोई सब्सटेंस क्या होता है, ब्लैक बॉडी होता है. रियल में ब्लैक बॉडी अपने नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है. ब्लैक बॉडी आइस पार्टिकल्स, कुछ लोग बोलते हैं कि आइस पीस जो होता है वो ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करता है, कुछ तक बोल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइडेंटिकल सब्सटेंस है, ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे. ब्लैक बॉडी, अब मैं इसको लैंग्वेज के हिसाब से बोल रही हूँ, इट इज़ एन आइडेंटिकल सब्सटेंस विच हैव एब्जॉर्ब द ऑल रेडिएशन व्हेन सोर्स इज रेगुलर. समझ आई बात, जब सोर्स चालू है तो सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए. ऑन स्टॉप द सोर्स, सोर्स बंद करते ही इट इमिट द ऑल रेडिएशन, और जैसे ही सोर्स बंद करे सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या कर देगा, इमिट कर देगा. एब्जॉर्प्शन पावर एंड इमिशन पावर आर इक्वल. इस सब्सटेंस के लिए एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. ऐसा सब्सटेंस क्या होता है, ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है. ब्लैक बॉडी जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट टू द फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट देखी है ना, ई इक्वल्स एच न्यू, तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाए तो क्या चाहिए था, एच चाहिए था. तो इसके अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट आई है ई प्रोपोर्शनल न्यू एंड प्रोपोर्शनल टू टी, कि एनर्जी फ्रिक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है और वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी,
ये म्यू है, एम ई यू, म्यू इंटेंसिटी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी नहीं है, इंटेंसिटी है। कल मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आई हैव टू ड्रॉप द क्लास, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।